जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल में मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना के बाद देर रात 11 बजे बाड़मेर जिला अस्पताल का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो यहां पर राम भरोसे नजर आई सिक्योरिटी व्यवस्थाएं। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेद बेरानी, आप जुड़े हैं राजस्थान राइज फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। साथियों, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें बाड़मेर जिला अस्पताल देर रात 11 बजे की है, जहां पर आप देख पा रहे हैं राम भरोसे सिक्योरिटी है। बाड़मेर में आए दिन बाड़मेर जिला अस्पताल में कई घटनाएँ जो हैं वो सामने आती है। कभी यहाँ पर मासूम बच्चे चोरी हो जाते हैं तो कभी यहाँ पर सो रहे लोगों के मोबाइल चोरी हो जाते हैं। जब इन लोगों द्वारा वापस कोई रिपोर्ट लिखवाई जाती है तो इन्हें कोई जो है संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। कहते हैं कि यहाँ पर तो कई सारे कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं, लेकिन वो इन लोगों के लिए, यहाँ पर आ रहे पेशेंटों के लिए मात्र कैमरे दीवारों पर लगे हुए हैं। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। ये तस्वीरें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीते एक दिन पहले राजस्थान के जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल में वहीं के सफाई कर्मचारी द्वारा एक मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद उस बच्ची को कचरा पात्र में डाल दिया जाता है। जैसे ही ये घटना सामने आई तो हमने भी सोचा बाड़मेर जिला अस्पताल का एक बार देर रात पहुंचकर हालात देखे जाए, लेकिन यहाँ पर हालात जो हैं राम भरोसे नज़र आ रहे हैं। पूरे अस्पताल की अगर बात करें तो अस्पताल में एक या दो गार्ड नज़र आए, जबकि हर वार्ड में, महिला वार्ड में एक से दो गार्ड भी होने चाहिए, लेकिन बाड़मेर जिला अस्पताल में ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। जिससे जोधपुर की घटना के बाद अगर बाड़मेर में ऐसे इंजाम देखे जाए, उसको लेकर जोधपुर की घटना को लेकर बाड़मेर अस्पताल की सिक्योरिटी देखा जाए तो यहाँ पर बाड़मेर सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल जीरो नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर एडमिट लोगों का क्या कहना है वो भी हम आपको आगे इस वीडियो में सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें आप जरा गौर से देखिएगा। बाड़मेर जिला अस्पताल के ये वार्ड हैं जहाँ पर अंधेरा, देखिए किस तरह से अंधेरा छाया हुआ है, जबकि अस्पताल में किसी भी वार्ड के पास या कहीं पर भी इस तरह का अंधेरा नहीं होना चाहिए। शायद जोधपुर में हुई घटना का भी उस बदमाश ने अंधेरे का ही फायदा उठाया होगा, लेकिन जोधपुर की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब यहाँ पर एडमिट लोगों का क्या कहना है वो आप सुने। इससे पहले आप ऐसे घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, इस तरह के दरिंदे को कैसी सजाएं मिलनी चाहिए वो भी आप जरूर बताइएगा। राजस्थान राइज से मैं आपका साथी उमेद बेरानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, पूरे बाड़मेर राजकीय अस्पताल के अंदर कहीं भी जो है सिक्योरिटी व्यवस्था क्या डर लगा रहता है के अंदर? आपका नाम कौन? जी, मेरा नाम रोहित कुमार है, मेरी वाइफ यहाँ पे एडमिट है। 3 दिन पहले यहाँ पे एडमिट किया था। यहाँ पे सिक्योरिटी तंत्र काफ़ी लचर है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। कहीं से मोबाइल चोरी हो जाता है, बैग चोरी हो जाते हैं, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी तंत्र बिल्कुल से काम ही नहीं कर रहा। और सफाई कर्मचारी भी समय पर नहीं आते और सही तरीके से सफाई नहीं करते, 3 दिन से देख रहा हूँ। अच्छा, तो ये अस्पताल है, यहाँ पर कई बार मोबाइल चोरी और यहाँ की बच्चा चोरी होने की घटनाएं सामने आती हैं, तो कितना जरूरी मानते हैं सिक्योरिटी सिस्टम? सिक्योरिटी सिस्टम आज के समय के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी बच्चा चोरी होने जैसी घटनाएं भी आ रही हैं। अभी 2 दिन पहले शायद आईसीयू से भी एक मोबाइल चोरी हो गया था, जिससे कि अस्पताल एक बहुत ही सिक्योर तरीके से देखता है, सिक्योर नजरिए से देखता है, लेकिन वहाँ से भी मोबाइल चोरी हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि जहाँ पे आम जनता बैठती है वहाँ से क्या क्या चोरी हो सकता है और वहाँ पे क्या क्या घटना हो सकती है। एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर रहता है, बाकी तो कोई सिक्योरिटी गार्ड से देख नहीं, एक दरवाजे के ऊपर रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा तो कैसे करते हैं सुरक्षा? सुरक्षा के लिए कोई खास प्रबंध नहीं है यहाँ पर। अच्छा, आज जोधपुर का जो महात्मा गांधी अस्पताल है उसके अंदर 15 साल की मासूम के साथ जो है अस्पताल के अंदर दुष्कर्म की घटना, क्या सोचते हैं? जी, ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समाज के अंदर। आजकल के लोगों की कुछ बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि
या दोनों के अच्छे संस्कार नहीं है या फिर नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि अस्पताल के अंदर हुआ है वो वहाँ के सफाई कर्मचारी ने किया है, सबसे बड़ा जो सवाल निशान है वो वो हॉस्पिटल सवाल के ऊपर। हॉस्पिटल के ऊपर उठते हैं कि उनको सिक्योरिटी तंत्र मजबूत करना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसके ऊपर ध्यान ना देकर वो अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। उस घटना को लेकर बाद में अस्पताल पर लेकर क्या कहना चाहेंगे? उस घटना को लेकर तो बाद में अस्पताल डॉक्टरों से यही निवेदन रहेगा कि सिक्योरिटी तंत्र थोड़ा मजबूत करे, कम से कम एक वार्ड क्या कि एक सिक्योरिटी गार्ड तो होना चाहिए, ऐसी आशा करते हैं हम हॉस्पिटल तंत्र से बाड़मेर से। क्या नाम है भैया आपका और क्या काम करते हैं आप? सोनी लाल प्रजापत नाम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ एमसीएच गेट पे गार्ड हूँ। अच्छा, किसके थ्रू लगे हुए हैं? एनजी कंपनी के थ्रू, कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी है आपकी? फुल नाइट। अच्छा, कितने गार्ड है जो इस पूरे मेला में देखभाल करते हैं? सर इसका तो मेरे को पता नहीं कितने हैं, इसका तो पता नहीं, ये गार्ड तो है लेकिन कितने हैं एग्जैक्ट मेरे को पता। अच्छा, आप भी ड्यूटी सिर्फ गेट पे हैं जी? अच्छा, तो क्या रात में राउंड अप भी करते हैं, किस तरह से देखते जी, यहाँ का गेट पे भीड़ होती है तो कम करवाते हैं, अगर कोई संदिग्ध होता है तो उसको पूछताछ करके भेजते हैं अंदर, या फिर किसी को रात को कोई छोटा बच्चा अगर कोई एडमिट होता है, नवजात शिशु डेथ वगैरह हो गई जल्द हो जाती है, और लेके जाते हैं बात उनको पूछताछ करके और आधार कार्ड देख के फिर भेजते हैं बात। हैं? अच्छा, कई बार जो है मोबाइल चोरी की और बच्चा चोरी की घटनाएं सामने आई जी, किस तरह से राउंड अप करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों करते सर हैं? मेरी ड्यूटी तो गेट पे रहती है, बाकी अंदर वाले गार्ड वो तो उनको पता नहीं, राउंड अप करते होंगे वो अपने अपने वार्ड में, तो मेरे को पता नहीं, मेरी ड्यूटी गेट।